होंगे भाई। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह का आईडी देवू भाई जैसा फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। अगर आपको भी कुछ इस तरह का ही फोटो एडिटिंग करना है बस लाइटरूम ऐप का यूज करके, तो ये वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपके फ़ोन के अंदर लाइट रूम ऐप ओपन करना है। आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो भाई इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से। तो अब आपको क्या करना है, ऑल फोटोज में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो नॉर्मल फोटो था उसको ऐड कर लिया हूँ। देख सकते हो एकदम नॉर्मल फोटो है और ये वाला प्रीसेट को ऐड किया हूँ। ये वाला प्रीसेट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो वहाँ पे भी मिल जाएगा। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको डेली प्रीसेट पीएनजी बैकग्राउंड सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला प्रीसेट को बस आपको ओपन करना है। प्रीसेट को ओपन करके ऊपर देख सकते हो भाई थ्री डॉट का ऑप्शन, थ्री डॉट पर आप क्लिक करो और कॉपी सेटिंग्स कर लो, ठीक है। कॉपी सेटिंग्स करते ही ऊपर राइट वाला ऑप्शन पे राइट करो। इतना करने के बाद आपका जो नॉर्मल फोटो है नॉर्मल फोटो को ओपन करो। नॉर्मल फोटो के ऊपर पे भी आपको थ्री डॉट दिख जाएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करो और कर दो पेस्ट सेटिंग्स, ठीक है। देखो एक क्लिक पे भाई ऐसा हो जाएगा, देख सकते हो भाई फेस भी कितना बढ़िया गोला हो गया है। देख सकते हो पहले ऐसा था अब ऐसा, भाई देख सकते हो फोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है। एक क्लिक पे इस तरह का हो जाएगा। और आपको ये वाला पेज सेटिंग आपके फ़ोन के अंदर काम नहीं करता है तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, मैं वहाँ पे बता दिया हूँ कि कैसे भाई ये वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे। तो ये वाला फोटो को इतना एडिट करने के बाद आपको ये वाला फोटो को शेयर कर देना है फोटो रूम ऐप के अंदर। फोटो रूम ऐप भी आप प्ले स्टोर से इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो फोटो रूम ऐप के अंदर आपका फोटो ऐड करने के बाद भाई देख सकते हो ऑटोमेटिक स्कैनर लग जाएगा और यहाँ पे आपका फोटो का भाई बैकग्राउंड एक क्लिक पे रिमूव कर देगा। लेकिन भाई मुझे भाई फोटो का बैकग्राउंड रिमूव बिल्कुल भी नहीं करना है, बस मुझे बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर करना है। ब्लर करने के लिए भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते ही भाई यहाँ पे एक ब्लर ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे भी ब्लर ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करना है क्लिक कर दो। मैं यहाँ पे ही क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद भाई देख सकते हो बैकग्राउंड कितना बढ़िया तरीके से ब्लर हो गया, ठीक है। ब्लर होने के बाद आप इसका ब्लर को भाई अमाउंट को थोड़ा ज्यादा या फिर घटाना या फिर बढ़ाना चाहते हो तो भाई बैकग्राउंड पे क्लिक करो और यहाँ पे जो ब्लर का ऑप्शन है ना भाई, जो ब्लर आप देना चाहते हो भाई दे सकते हो और यहाँ पे इतना अमाउंट आप जितना देना चाहते हो भाई दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लर का अमाउंट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ और इतना करने के बाद देख सकते हो भाई बैकग्राउंड भाई पूरा घटिया लग रहा है। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भाई बैकग्राउंड ब्लर नहीं करना चाहिए, बस बैकग्राउंड को यहाँ पे ब्लर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिक्स्ड नहीं होगा भाई, तो यहाँ पे जितना ब्लर आपको बैकग्राउंड पे रखना है आप रख दो। उसके बाद भाई ऊपर देख सकते हो डाउनलोड का बटन है, नीचे यहाँ पे सेव टू डिवाइस कर दो, ये वाला फोटो सेव हो जाएगा आपके फ़ोन के अंदर। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो मैं फोटो को ओपन किया हूँ पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। यहाँ पे बस मैं जो पेस्ट किया था प्रीसेट को, पेस्ट करने के बाद ये वाला फोटो को मैं ऐड किया हूँ। तो ये वाला फोटो को ऐड करने के बाद आपको नीचे ऐड फोटो का ऑप्शन है, ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो रूम ऐप से जो बैकग्राउंड को ब्लर किया था ना वो वाला फोटो को आपको ऐड करना है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो ये है बैकग्राउंड ब्लर वाला फोटो, तो इसके ऊपर भाई अच्छे तरीके से सेट कर दो। सेट करने के बाद ऊपर आपको इरेजर पे क्लिक करना है, इरेजर पे क्लिक करके इसका जो हार्डनेस है भाई इसको थोड़ा कम कर दो और ओपेसिटी को भी थोड़ा कम कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट करने के बाद आपको बस बैकग्राउंड पर भाई कुछ इस टाइप से बस चला देना है, ठीक है। देखो भाई बैकग्राउंड कितना बढ़िया तरीके से ब्लर हो जाएगा। और भाई आप जब यहाँ पे करोगे ना भाई इसका ओपेसिटी और हार्डनेस वगैरह सब कम कर देना और कुछ इस टाइप से आपको चला देना है, ठीक है। देख सकते हो भाई पूरा रियलिस्टिक तरीके से बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। और यहाँ पे देखो, अब देखो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। पूरा आरडी देवू भाई जैसा फोटो एडिटिंग हो गया है। ये वाला फोटो को भाई आप सेव कैसे करोगे, सेव करने के लिए ऊपर देख सकते हो डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे क्लिक करो और फोटो सेव कर लो आपके फ़ोन के अंदर।